बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी लैंड ऑफिशियल एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द न्यू मेंबर्स हु हैव रिसेंटली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, कमेंट, क्यूरीज एंड सजेशंस। आई एम उम्मे मोहम्मद एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 14, द नवाब ऑफ सलीमाबाद पार्ट 2 फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 एंड इट इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ दिस बुक। इस चैप्टर की रीडिंग और ट्रांसलेशन हम एक सेपरेट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसकी वर्कबुक एक्सरसाइज भी हम एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। एज यूजुअल सबसे पहले हम एनालिटिक्स देख लेते हैं। हमारी लास्ट वीडियो तक जो टाइम हमें सब्सक्राइबर्स की तरफ से मिल रहा था वॉच टाइम, वो था 8.8%, जो कि अब इंक्रीज़ हो चुका है आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। और इस वीडियो तक ये परसेंटेज इंक्रीज़ होकर 9.2% हो चुकी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे ऐसे कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दें। तो आज से अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन ए कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब दें। यहाँ पर हमें ए से लेके जी तक क्वेश्चंस के बने रीड कर लेते हैं। हाउ डिड द नवाब मीट द फार्मर्स 3 सन, नवाब उस किसान के 3 बेटों से कैसे मिला था। बी है, हु फेल्ट प्राउड एट सर्विंग द नवाब, नवाब की खिदमत करके या उसको सर्विसेज देके कौन बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। सी है, व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ गिव टू द नवाब एंड वाई, फार्मर की जो बीवी थी, किसान की बीवी, उसने नवाब को क्या दिया और क्यों दिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी, व्हाट डिड द ओल्ड लेडी रिसीव एज अ प्रेजेंट, उस बूढ़ी औरत को तोहफे के तौर पर क्या मिला। ई, डिड द मनी लेंडर गेट अ वैल्यूएबल प्रेजेंट, क्या उस मनी लेंडर को एक वैल्यूएबल प्रेजेंट मिला था, एक बेशकीमती तोहफा मिला था। एफ ए, व्हाई डू यू थिंक द नवाब सेंट द बॉयज होम, आपको क्या लगता है नवाब लड़कों को घर क्यों भेज दिया। और लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज द नवाब, नवाब किस किस्म का आदमी था। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ए, द कमांडर ऑफ द कैवलरी वाज ऑर्डर्ड टू ब्रिंग द 3 सन्स टू सी द नवाब। बी है, द 3 सन्स फेल्ट प्राउड टू सर्व द नवाब। सी, द फार्मर्स वाइफ गेव अ बास्केट ऑफ अनियंस टू द नवाब, शी वॉन्टेड टू थैंक द नवाब। एंड डी, द ओल्ड लेडी रिसीव्ड अ बॉक्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एज अ प्रेजेंट। द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए, द मनी लैंडर डिड नॉट गेट अ वैल्यूएबल प्रेजेंट, ही गॉट अ बॉक्स ऑफ अनियंस। एंड एफ, द नवाब सेंट द बॉयज होम टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। एंड लास्ट इज जी, अ ग्रेट मैन एंड अ गुड रूलर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पर हमें हाफ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनको हमने कम्प्लीट करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ए से लेके एश तक हमें स्टेटमेंट्स गिवन हैं, आप इनको अपने वर्ड्स में भी कम्प्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट है, आफ्टर सम मंथ्स वी फाइनली सॉ द रिजल्ट्स ऑफ आर हार्ड वर्क। बी, योर अनियंस आर लुकिंग फ्रेश एंड वाइब्रेंट। सी, व्हेन आई वाज यंगर आई यूज्ड टू लव प्लेइंग इन द रेन। डी, द ओल्ड वुमेन वाज वेरी काइंड एंड ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स। ई, टेल हिम टू ब्रिंग हिज पासपोर्ट एंड अ पेन। एफ, आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। जी, आर यू नॉट एंग्री अबाउट व्हाट हैपेंड। एच, थैंक योर मदर फॉर द डिलीशियस डिनर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दीज लाइन्स टेकन फ्रॉम द स्टोरी। इस स्टोरी से या इस चैप्टर से कुछ लाइन्स ली गई हैं। अ बिजनेस मैन सर, यस अ बिजनेस मैन, आई हैव ब्रॉट यू अ गिफ्ट। अब इन लाइन्स के बारे में हमें कुछ नीचे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हमने आंसर करना है। और ये सभी क्वेश्चंस इस स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं जो हमने चूज़ की है स्टोरी से। क्वेश्चन देख लेते हैं। ए, हु स्पीक्स दीज वर्ड्स, ये अल्फाज किसने कहे। बी, टू होम आर द वर्ड्स स्पोकन, ये अल्फाज किसको कहे गए। सी, वाई डज द स्पीकर रिपीट द वर्ड बिजनेस मैन, स्पीकर ने बिजनेस मैन का वर्ड रिपीट क्यों किया। डी, वट गिफ्ट हैज़ ही ब्रॉट एंड वाई, वो क्या तोहफा लेकर आया और क्यों लाया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द मनी लैंडर। बी, टू द नवाब। सी, द मनी लैंडर नियरली टेल्स द नवाब दैट ही इज़ अ मनी लैंडर, ही स्टॉप्स एंड चेंजेस द वर्ड टू बिजनेस मैन एंड रिपीट्स इट टू मेक श्योर द नवाब हैज़ हर्ड प्रॉपरली। डी, ही हैज़ ब्रॉट अ हॉर्स बिकॉज ही थिंक्स द नवाब विल देन गिव हिम एन इवन मोर वैल्यूएबल प्रेजेंट इन रिटर्न। द
The next section of exercise is section B, working with words. Question number 1 है, fill in the blanks with one of the words given in the box. Box में हमें 5 words given हैं और 5 ही blanks हैं. इन blanks को हमने fill करना है suitable words से. Reach कर लेते हैं words को. Ne, howl, his, trumpet and hum. A, 2 or 3 bees started to dash near his ear. B, in the distance he could hear a wolf dash. C, have you ever heard a horse dash? D, a cobra reared his head at him and began to dash. E hai, I heard an elephant dash in the jungle. First statement mein hum fill karenge hum. B, howl. C, neigh. D, hiss. And E, trumpet. The next question is question number 2. Add not to the following sentences. Niche kuch sentences diye gaye hain. Humne isme not add karna hai. यानी इनको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है. यू मे हैव टू मेक सम अदर चेंजेस टू, और हो सकता है आपको नॉट के अलावा भी कुछ वर्ड्स को चेंज करना पड़े इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए. स्टेटमेंट्स रीड कर लेते हैं. ए, द वजीर टॉक्ड टू द वुमेन. बी, द मनी लेंडर ट्रैवल्ड होम. सी, द ओल्ड वुमेन विशेज टू सी यू. एंड डी, यू सेड दे वर गुड अनियंस. फर्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं. ए, द वजीर डिड नॉट टॉक टू द वुमेन. B, the money lender did not travel home. C, the old woman does not wish to see you. D, you did not say they were good onions. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, you said they were not good onions. इन सब sentences में जिसमें second form use हो रही थी verb की, वहाँ पर हमने did not apply किया. और third sentence में wish के साथ s या es का इजाफा करके use किया गया, तो ये present tense की निशानी है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डज नॉट को यूज़ करेंगे, डिड नॉट को यूज़ नहीं करेंगे. और लास्ट में हम फिर से डिड नॉट को ही यूज़ करेंगे. और फोर्थ सेंटेंस को जो हमने सेकंड मेथड से इसको नेगेटिव में चेंज किया है, वहाँ पे हमने वर नॉट, इसलिए क्योंकि वर वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो कि पहले से मौजूद था, और हमने सिर्फ नॉट अप्लाई किया है, हमने डिड या डज का इस्तेमाल नहीं किया. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जबान के बारे में सीखना. क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग विच. विच का वर्ड यूज़ करते हुए हमने सेंटेंसेज के पेयर्स को ज्वाइन करना है. यू विल हैव टू लीव आउट सम वर्ड्स. हो सकता है हमें कुछ अल्फाज को इन जुमलों में से निकालना पड़े. इन द सेकेंड सेंटेंस इन ईच पेयर, हर पेयर के सेकेंड सेंटेंस में दो सेंटेंसेज हमें गिवन है. पहले को हम नहीं चेंज करेंगे, लेकिन दूसरे में हो सकता है हमें कुछ चेंजेस करनी पड़े जब हम विच का वर्ड यूज़ करते हुए दोनों को ज्वाइन करेंगे. एग्जांपल हमें गिवन है, दिस इज़ द बैग फुल स्टॉप. आई गेव इट टू यू यस्टरडे. दिस इज़ द बैग विच आई गेव यू यस्टरडे. यहाँ पे गेव के बाद जो इट टू यू था उसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, और फुल स्टॉप की जगह हमने विच का वर्ड यूज़ किया. नीचे हमें 3 सेंटेंसेस गिवन है. ए, This is the pen I sold it to you last week. B, this is the letter I sent it to my mother. And C, this is the rice I bought it yesterday. Same rule apply करते हुए हम इन तीनों sentences के pairs को join करेंगे which का word use करके, और कुछ changes करके second part में. A है, this is the pen which I sold to you last week. B, this is the letter which I sent to my mother. And C, this is the rice which I bought yesterday. The next question is question number 2. Complete the chart using the correct form of the verbs. अब यहाँ पे verbs दिए गए हैं और उसकी different forms दी गई हैं, और blanks भी हमें given है. इस table को हमें complete करना है. 5 words हैं total. A, get, goat, goat. B, see, saw, seen. C, find, found, found. D, come, came, come. And last is E, shake, shook, shaken. The next question is question number 3. Divide each word given below by putting a slash symbol between each syllable. हमने बताना है कि इसमें कितने syllables हैं, और हर syllable को हमने slash की help से separate कर लेना है. Also write how many syllables you can identify in each word. आपने ये भी बताना है कि आपने कितने syllables की शनाख्त की है हर word के अंदर. Within the brackets on each line, हर line के end में एक ब्रैकेट लिखी है, उसमें उसके number of syllables बताने हैं. Example हमें given है monkey की, MON/KEY. इसका मतलब है इसमें 2 syllables हैं, एक slash से पहले वाला और एक बाद वाला, और ब्रैकेट में हमने number of syllable लिख दिया है. Words हमें given है basketball, kangaroo, chimpanzee, butterfly and understand. First word के 3 syllables हैं, bus, kit and ball. Second है kangaroo, 3 syllables. C है chim, pen,
जी, थ्री सिलेबल वर्ड है ये भी. डी है बट डर फ्लाई, इट ऑल्सो हैज थ्री सिलेबल्स. लास्ट है अन डर एंड स्टैंड, इसमें भी थ्री सिलेबल्स है. द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन डी, लिस्टिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, ग्रुप वर्क. नंबर वन है द सन्स सलीम हामिद एंड इरफान डू नॉट हैव मच टू से इन द प्ले. इस पूरे प्ले में हम देख सकते हैं सलीम हामिद और इरफान जो उनके तीनों बेटे थे उनकी बहुत ज़्यादा लाइन्स नहीं है, उन्होंने बहुत ज़्यादा बात नहीं की. रीड बोथ पार्ट्स ऑफ द प्ले, इस प्ले के या इस ड्रामे के दोनों पार्ट्स को आप पढ़ें अगेन दोबारा से इन योर ग्रुप, अपने ग्रुप में. थिंक अबाउट व्हाट द थ्री सन्स कुड से, और इस बारे में सोचे कि वो तीनों बेटे क्या बात कर सकते थे या क्या कह सकते थे. एड न्यू डायलॉग, इसमें नए मुकालमे का इजाफा करें. यू मे हैव टू चेंज द स्टोरी अ लिटिल बिट, हो सकता है आपको स्टोरी को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़े. गिव द थ्री बॉयज़ और एनी अदर कैरेक्टर्स इन द प्ले सम मोर लाइन्स, उन तीनों लड़कों को या उसके अलावा भी कोई और कैरेक्टर अगर स्टोरी में है तो उसको आप एक्स्ट्रा लाइन्स दें टू से एंड राइट द डायलॉग, बोलने के लिए ताकि वो उन लाइन्स को बोलें और एक मुकालमा आपने एक डायलॉग लिखना है. नंबर टू है शेयर योर वर्क विद द अदर ग्रुप्स, अपनी क्लास की बाकी ग्रुप्स के साथ भी इस काम को शेयर करें. इन द क्लास बाय रीडिंग अलाउड व्हाट यू हैव रिटन, और बुलंद आवाज़ में पढ़ के बताएं कि आपने जो कुछ भी लिखा है एक्सरसाइज D1 में. थ्री है विच ग्रुप एडेड द मोस्ट इंटरेस्टिंग लाइन, और आपने कंपैरिजन करना है कि किस ग्रुप की लाइन ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी जो उसने खुद से ऐड की है. ये एक फ़न एक्टिविटी है और इसको बच्चे एज अ गेम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं जिससे उनकी अपनी वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों चीज़ें ही एनहेंस होंगी. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन ई, एक्टिविटी एनालिसिस हमें गिवन है. इनफेरिंग मॉरल इन अ टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट में से कोई भी मॉरल या सबक हासिल करना या उसका अंदाज़ा लगाना, गेस करना. अंडरस्टैंडिंग अ स्टोरी, एक कहानी को समझना. इन अ स्टोरी, एक कहानी में सम डिटेल्स आर ईजी टू अंडरस्टैंड, कुछ डिटेल्स कुछ तफसीलात ऐसी होती हैं जिनको समझना बहुत आसान होता है. द नवाब वॉज अ ग्रेट मैन एंड अ गुड रूलर, ही ट्रीटेड ऑल हिज सब्जेक्ट्स वेल. द अंडरलाइन वर्ड्स शो दैट द नवाब इज़ अ गुड पर्सन, इन अंडरलाइन वर्ड्स से हमें पता चलता है ग्रेट और गुड के वर्ड से कि वह नवाब एक अच्छा आदमी था. द डिटेल्स यूज्ड इन द स्टोरी हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, स्टोरी में जो भी डिटेल्स होती हैं वो हमें ये समझने में मदद करती हैं कि चल क्या रहा है, कहानी में क्या हो रहा है. व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द स्टोरी, कहानी में क्या हो रहा है. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द मैसेज और लेसन ऑफ द स्टोरी, और इससे हमें उस कहानी के पैगाम को या उससे मिलने वाले सबक को समझने में मदद मिलती है. व्हाट इज़ अ मॉरल, मॉरल क्या होता है. अ मॉरल इज़ अ लेसन, मॉरल एक लेसन होता है, एक सबक होता है. और द मैसेज या फिर एक पैगाम होता है ऑफ अ स्टोरी, एक कहानी का. हाउ टू फाइंड द मॉरल इन अ स्टोरी, किसी भी स्टोरी में से हम मॉरल या उसका जो सबक है वो कैसे हासिल कर सकते हैं. ड्राइंग कंक्लूजन्स, नतीजे निकालना. लेट्स थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी, चलिए समझने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि कहानी में क्या हुआ. Why do you think did the Nawab give gold mohurs to the farmer's wife? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि नवाब ने उस बूढ़ी औरत को सोने की मोहरें क्यों दी. Why do you think the Nawab gave onions to the money lender? आपको क्या लगता है कि नवाब ने मनी लेंडर को प्याज क्यों दिए. Inference. Let's read the following part of the story. कहानी के इस हिस्से को पढ़ें. If the Nawab gives 100 gold coins for some miserable onions, अगर वो नवाब बहुत ख़राब हालत के अनियंस जो कि इतनी ज़्यादा कीमती नहीं थे उनके लिए दे सकता है. थॉट द मनी लेंडर ने सोचा व्हाट विल ही गिव फॉर अ बेटर गिफ्ट, वो एक अच्छे तोहफे के लिए क्या देगा. दीज आर द वर्ड्स ऑफ द मनी लेंडर, ये मनी लेंडर के वर्ड्स हैं. द मनी लेंडर इज़ समवन हु लेंड्स मनी टू अदर पीपल, मनी लेंडर वो होता है जो दूसरे लोगों को पैसे देता है उधार. ही इज़ अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी है. Even though the money lender is a rich man, अगरचे के money lender एक अमीर आदमी है, why does he want a gift from the Nawab? उसे नवाब से तोहफ़ा क्यों चाहिए. Put a take on all the lessons we could learn from the story. इस कहानी से हमें जितने भी सबक हासिल होते हैं उन पर आपने टिक कर देने, चेक बॉक्सेस हमें गिवन है उनको चेक कर देना है. नंबर वन है वी शुड ट्रीट गेस्ट इन अ गुड मैनर, हमें मेहमान से अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, ठीक है. नंबर टू है वी शुड बी ट्रूथफुल, हमें सच बोलना चाहिए, ये भी ठीक है. नंबर थ्री पे है वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव, और जो कुछ भी हमारे पास है हमें उससे खुश रहना चाहिए, उस पर राज़ी रहना चाहिए, ये भी ट्रू है. और नंबर फोर है वी शुड अवॉइड ग्रीड, हमें लालच नहीं करनी चाहिए, इट्स ऑल्सो ट्रू. दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.